देखो भाई मस्ती नहीं, हम 500 का पेट्रोल भरा है, मस्ती नहीं चाहिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 6, रात भर सोया नहीं हूँ क्योंकि सुबह एक छोटे से राइड पे निकलना था तो उसका एक्साइटमेंट था। तो जैसे कि अभी कोविड शोविड का चक्कर चल रहा है तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से तथावड़े जा रहे हैं विच इज़ लाइक 15-20 किलोमीटर ही, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। सामने एक वाटरफॉल है, बेगड़ेवाड़ी वाटरफॉल्स, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सूरज निकलने को है तो चलिए जाके सनराइज देख के आते हैं। A few moments later. तो सुबह सुबह हो चुकी है अपने साथ एक दुर्घटना। मेरा जो ये यंत्रालय का जो माउंट था वो टूट चुका है, मेरा हेलमेट गिर गया था। तो अभी अपना जो पूरा माइक सेटअप है उसको पुराने हेलमेट में तो अभी जो अपना पूरा माइक सेटअप है वो मैं अपने पुराने वाले हेलमेट में कर रहा हूँ। फिर से हो चुके हैं लेट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। फाइनली इट्स 6:26 इन द मॉर्निंग एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो आज मैं राइडिंग जैकेट वगैरह नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि राइडिंग जैकेट पहन के अगर आप निकलते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो या कहीं दूर से आ रहे हो या दूसरे स्टेट से आ रहे हो। और पता नहीं लॉकडाउन के बाद क्या सीन चल रहा है अभी, तो नॉर्मल अपना जैकेट पहन के निकला हूँ और आगे आगे का आई विल कीप यू पोस्टेड कि लॉकडाउन के बाद क्या सीन है। तो हम पहुँच गए पूरा दिन खराब चल रहा है बाबा। तो हम पहुँच गए शेल पेट्रोल पंप और जैसे कि आप देख सकते हो भाई लोग तैयार हैं। पल्सर NS 200, कंटिनेंटल GT 650। तो संडे का माहौल है, सब निकल चुके हैं अपने अपने बाइक पे। हम बहुत ही लेट हो चुके हैं फिलहाल। सनराइज देखने की बात थी जैसा कि व्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा, बट सनराइज तो अब दूर की बात है, लगता है धूप में पहुंचेंगे। कई दिनों बाद ऐसे हाईवे में निकल के अलग ही मजा आ रहा है। और अपनी बाइक की हालत थोड़ी खराब है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा ही खराब है, बट ठीक है हम मैनेज कर लेंगे फिलहाल आज के लिए। छोटी सी राइड में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, दिन शायद से हमारा अच्छा जाएगा। वैसे अनलॉक के हिसाब से माहौल कुछ ज्यादा ही नॉर्मल लग रहा है, हाईवे में लोग हैं। तो अभी हमें लोनावला के रास्ते में, उससे पहले ही एक राइट टर्न अपने को लेना है तो हम जाएंगे उस वाटरफॉल की तरफ। और बहुत दिनों बाद मस्त ठंडा ठंडा हाईवे का मौसम एंजॉय करते हुए, वो भी सुबह के वक्त में, अलग ही एक फील रहता है। अरे भैया बहुत भीड़ है इधर तो। यू टर्न लेना है हमको, यू टर्न। तो हम आ गए इस गली में। ये बेगड़ेवाड़ी का रेलवे स्टेशन जो अभी हमने क्रॉस किया है और अब हम जाएंगे इस साइड। पुणे का यही मज़ा है, आसपास 15-20 किलोमीटर में ऐसे ऐसी जगह मिल जाती है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और वीकेंड्स में जा सकते हो। फिलहाल के लिए तो यही सब जगह जाना पड़ेगा भाई, लॉन्ग राइड तो कब करेंगे अब उसका कोई श्योरिटी नहीं अपने को। बट दिस रोड लुक्स गुड। अरे रे नीचे जाना है क्या, ऑफ रोड करने? वाओ च
चलो चलो वो ब्रिज के वहाँ चलते हैं। यही है वो वाटरफॉल जहाँ हम आने वाले थे और आ चुके हैं। और यहाँ कतई बहुत भीड़ है भैया लोगों का, यहाँ भी भीड़ है भाई, बताइए मजाक चल रहा है इधर। हम सोच रहे बाइक यहाँ नीचे उतार दे, एक तो देखो मेरे बाइक में ब्रेक नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ पैदल चलते ना उधर मजा आएगा। सो अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, वैसे अच्छा जगह है, आप आ सकते हो इफ इट्स रेनिंग हार्ड। अभी तो मानसून जस्ट स्टार्ट हुआ है पुणे में, तो वंस द मानसून किक्स इन ये अच्छा स्पॉट है आने के लिए। वाटरफॉल एक्चुअली उस साइड है तो हम उस साइड भी जाएंगे, फिलहाल इस साइड थोड़ा घूम लेते हैं अपन। एंड लुक एट द व्यू गाइस, इट्स कूल। ऊपर उसका टोनी स्टार्क का घर था, हाँ वो बह गया, हाँ फोड़ दिया था ना, फोड़ दिया था ना, तो उसी के वो देखो नीचे, अरे वो बैटमैन का जेट वहाँ से निकलता है, वो जो मूवी में नहीं निकलता ऐसे नीचे से बैट, वो नीचे वो बैटमैन का जेट, अगर तुम ऐसा सीवेज के अंदर से जाओगे वहाँ से तो अंदर वहाँ पे उसका है रॉबिन का पूरा रखा है सामान वामान, रॉबिन हो तो खुलेगा नहीं तो कुछ नहीं। तो फिर किस्मों में पढ़ रहा था ट्रिप एडवाइजर या किसी में ऐसे लिखा हुआ था कि This is one of the waterfalls where you can actually walk. तो उधर चल के जा सकते ना तुम। भाई मतलब कैसा आदमी को लगता है भाई बड़ा सा वाटरफॉल है पैदल चलेंगे वाटरफॉल के ऊपर से। क्या बंदा व्लॉग बनाने निकला है बाइक का, मतलब ऐसा देखो लेकिन ऐसा दूर से कैसे लग रहा है बड़ा सा वाटरफॉल है, देखो मतलब वीडियो में और थोड़ा करीब जाएंगे ना तो लगेगा बहुत बड़ा, देखना वहाँ से ऐसा वो नाइग्रा फॉल का नहीं पानी उड़ता है स्लोमो टाइप। फाइनली वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रिप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दो ज्यादा दूर नहीं था सिर्फ 15 किलोमीटर ही था, बट उससे बाहर ज्यादा दूर आप जा भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। मजा आया इतने दिन बाद अपने दोस्तों से मिला बातें की तो वो बहुत ज्यादा मजेदार था। अब पिछला साल मेरा अलग सिचुएशन था तो मैं महाराष्ट्र एक्सप्लोर नहीं कर पाया और इस साल तो माहौल ही खराब है, मतलब सच बताओ तो अपना किस्मत ही खराब है लगता है। आई नो ज्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में देखने के लिए, बट अगर फिर भी आपको ये वीडियो कुछ भी कारण से पसंद आया होगा तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, यू ऑनली लिव वंस सो लिव लाइफ किंग साइज, बाय बाय एंड टेक केयर माय पिलियंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।